आने वाले टाइम में पॉलिटिशियन में आ सकते हैं, ये बॉम्बे में वोट इलेक्शन लड़ सकते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप इनको फॉलो करें, इनको बड़े से बड़े विजय से इनको विजय बनाएं। और इनकी जो वीडियोस हैं करण जौहर जी, आप हमारी लाइव देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ सुन तो सोनिया, सोनिया थोड़ा पीछे हो जा, तू ऐसे इतनी आगे आ रही है ना, ये पब्लिक है ना, ये 4-5 हजार लोग मुंह खोल के बैठ रहे, बेंचों के दूध पी लेंगे तेरा, इतनी आगे मत आ, थोड़ी शर्म रख, ओके थोड़ी शर्म रख। तो मैं करण जौहर जी से कहना चाहती हूँ, दीपक एक बहुत अच्छे इंसान है और मैं चाहती हूँ हमारे देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं और नई नई पीढ़ियों को अपने साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा मैं विधायक का इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो तू ऐसे क्यों बोल रहे है कि तू विधायक बनेगा, ऐसे क्यों बोला तूने एक वीडियो में? दीपक जी मैंने नहीं बोला, ये लोगों ने मेरे नाम पे सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव कर करके ये लोग मेरे को फेम नहीं, ये आपको मेरे से अलग करवाना चाहते हैं। इस केले की कसम मैं आपसे नहीं अलग होना चाहती। अच्छा रुक, मैं कुछ लोगों को कॉल पे लेता हूँ, कुछ लोगों को रैंडम कॉल पे ले जी। और सुन, ये सबसे पहले अपने भाइयों की माफी मांग, ये जो विनीत भाई है उनकी माफी मांग, और पुनीत भाई की माफी मांग, उनको कॉल पे ले, उनकी माफी मांग कि मैं कभी ऐसे बुराई नहीं करूंगी, हाथ जोड़ के माफी मांग। और ये शूटर जी हैं, शूटर जी को लू लाइव पे? नहीं तू पहले विनीत भाई को ले, शूटर जी तो भाई अपना अच्छा लड़का है। हाँ पहले विनीत भाई को ले, उनसे माफी मांग हाथ जोड़ के, उनको बोल कि मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप बड़े लोग हैं, आपकी अप्रोच है, मैं छोटी हूँ आपके सामने, मैं आपके पैरों की धूल हूँ, ऐसे सब उनसे माफी मांग। दीपक मैं ऐसे पैरों की धूल नहीं कह सकती, यू नो ना कि मेरा खुद का भी स्टैंडर्ड है, मैं आपके लिए सॉरी बोल सकती हूँ, पैरों की धूल नहीं कह सकती, बिकॉज मैं आपकी वाइफ हूँ, आप अपनी वाइफ को पैरों की धूल कैसे बोल सकते हो? मैंने उनको आईडी शेयर कर दी है, आप अपनी पुनीत भाई को भी ले कॉल पे ले, पुनीत भाई को भी सॉरी बोल दे। तुझे पता है ये भाइयों ने मेरे लिए कितना किया? हाँ, और तू मेरी वाइफ होने के कारण मैं तुझे वहां पे इनवाइट करता था, तू मेरी वाइफ बन के आती थी, तुझे मैं इनवाइट करता था, लेकिन तुझे पता है तेरे बिहेवियर के कारण तूने सब गवा दिया, नहीं तो आज मेरे साथ तू भी घूमती थी रैली में, तू भी मेरे साथ वो क्लब में आती थी, मेरी बाहों में तू बैठी रहती थी। वाओ दीपक नेक्स्ट टाइम कब आ रहे हो आप? मैं चाहती हूँ कि मैं बाहों में ये विनी जी, आप प्लीज एक बार मेरे को मैसेज कीजिए, विनी जी, दीपक आप विनी जी को एक बार लाइव शेयर कर देंगे वहां से, विनी जी ऐड हो जाएंगे, उसे माफी मांग, विनीत भाई से, पुनीत भाई से भी माफी मांग, अपने भाई है ये, ऐसा मत कर, तेरे को पता है विनीत भाई ने कहा, उन्होंने मुझे कहा जाने दे, वो माफी मांग रही है, तू चला जा, नहीं तो मैं विनीत भाई नहीं बोलते थे ना, मैं नहीं आता था पता है, लेकिन विनीत भाई ने बोला जान दे वो लड़की है, माफी मांग रही है, जा तू ऐसे ऐसे मत कर, पता इससे क्या होगा, हाँ जी तेरी कोई इज्जत नहीं करेगा, समझे? अच्छे लोग हैं हम लोग, हमारी इज्जत करेगी, तेरे को पैसा फेम सब मिलेगा, तू दो कौड़ी के लोगों के पास जाके हमारी बुराई करती है, जो इधर उधर मुंह मार के खाना खाते हैं, भिखारी के जैसे बिन बुलाए पार्टी में जाते हैं, और इधर उधर मुंह मार के जो लोग पार्टी में से भूखे खाना खाते हैं उनके साथ तू करेगी, और जो तेरा यहाँ पे हस्बैंड बैठा हुआ है जो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है उसकी तू बुराई करेगी, क्या मिला तेरे को आखिर? अभी एक काम कर, रुक मैं कॉल करता हूँ, विनी जी लाइव पे आइए एक बार और हमारी हस्बैंड वाइफ का सुलह करवाइए, बिकॉज़ दीपक जी उनको विनीत भाई को बोल कि मैं बुराई नहीं करूंगी, तेरे को पता है उन्होंने कहा कि वो अच्छी लड़की नहीं है, बट फिर भी बाद में मैंने उन्हें कहा कि छोड़ो यार, तो उन्होंने कहा ठीक है चल कर ले उसके साथ लाइव, क्या होगा पता है क्या, फिर बाद में तेरे को प्रॉब्लम होगी, समझी? हाँ जी दीपक जी, क्योंकि देख वो लोग मेरी इमेज चेंज कर रहे हैं, विनीत भाई जो है वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तू ही जाके ऐसे गंदी गंदी बातें करेगी, ऐसे बकेगी तो फिर कौन तेरी इज्जत करेगा? मत रोना अभी, ज्यादा मत रोना, नेक्स्ट टाइम लाइव में थोड़े अच्छे कपड़े डाल के आ, कैसे है ना, अभी तू मेरी वाइफ है, मैं चाहता हूं कि जो इज्जत मुझे मिली वो तुझे भी मिले इज्जत। बिल्कुल, ये मैं दुपट्टा आज से ये दुपट्टा ओढ़ के बैठूंगी, अभी विनीत भाई आ रहे हैं, वो दुपट्टा ऐसे सर पे से ये करके बंद,
ओके जानम। उसको दुपट्टे को अच्छी तरह से ये कर। सभी लोगों से मैं निवेदन करती हूँ, आप इस आईडी को भी फॉलो कर लेना, बिकॉज कि मैं अपनी आईडी को दीपक पैसों में बेच चुकी हूँ। और मैंने ऐसे सुना कि तेरी वो जो पहले वाली आईडी थी उसमें तूने बिकिनी डांस किया जिसके कारण ब्लॉक हो गई, सच है ये? नहीं दीपक, मैंने वो पैसों में बेच दिए, मुझे 3 लाख रुपए मिला, बिकॉज वो आईडी मेरी ट्रेनिंग में थी, आपकी कसम। बिकॉज मुझे शादी के लिए पैसे इकट्ठा करना है बहुत ज्यादा, अच्छा हाँ, बिकॉज शादी के लिए पैसे भी तो चाहिए, आपको पता है 3-4 करोड़ रुपया तो जेब में होना चाहिए। अरे भाई 3-4 करोड़ से क्या होगा, राखी सावंत के साथ शादा मैंने किया था ना, 120 करोड़ का बजट था, कुछ नहीं होता है भाई हाँ 3-4 करोड़ में, समझा? क्या हाँ होता है जी 3-4 करोड़ में? चले तू बात भी करेगी ना, टट्टी बात करेगी भेड़चो, हाँ बात तो कम से कम अच्छी किया कर। खर्चना तो अपने में है नहीं, अपने को खर्चना थोड़ी है, बातें तो करनी है, कम से कम वो तो अच्छी किया कर। दीपक जी, और मैं आज से प्रॉमिस करती हूँ मैं सभी लोगों की इज्जत करूंगी और सबको इज्जत दूंगी अपनी। अरे भाई तूने, तेरा ये इज्जत का दरवाजा है ना, इसको भी तूने बंद करके रखा ना तो भी बहुत है। जब तू रोती है ना साले, तेरे मम्मी हिलते, अब क्या बताओ मैं, मुझे शर्म आती है बीवी कहते हुए, ऐसे मत कर मेरी जान। अपनी ये जो लाइव है ये पारिवारिक लाइव है, पूरी जी 36 बिरादरी है लाइव देख के, मैं तुझे हमेशा चिल्लाता हूँ कि जब भी लाइव में आएगी तो तू अच्छी तरह से, हाँ बुरी तरह से ढकी ढकी आ जाती है यहाँ पे नंगी पुंगी, ऐसे मत किया करना यार। अभी मैं जो विधायक का इलेक्शन लड़ूंगा, मैं क्या मुंह से कहूंगा कि ये जो है ये अपनी वाइफ है, क्या मुंह से मैं कहूंगा बताइयो? कोई भी चौधरी जी और जो भी देख रहे हैं, प्लीज आप लाइव पे आइए, आप हमारे इंसाफ करवाइए दीपक जी के साथ। तुझे पता है वो लोग क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि वो लोगों को, वो जिस एरिया में रहते हैं वहां जी पे ऐसे कपड़े पहनने वाली लड़कियों के लाइव पे नहीं जाते, समझी तू मेरी बात? हाँ बिल्कुल एकदम ये बराबर 36 बिरादरी के लोग हैं, इनके जो विचार है वो पवित्र है। अभी जैसे कि मैं हाँ अमेरिका से हूं, मेरे यहाँ पे चलता है, जी लेकिन अगर ऐसे कपड़े पहनने वाली लड़की के लाइव पे जाएंगे तो वो जो पारिवारिक लोग हैं वो इस बात को अच्छा नहीं मानते, नेक्स्ट टाइम तो आएगी ना तो ऐसे जी मत पहन के आ, ठीक है, तो समझा? ऐसा नेक्स्ट टाइम तो आएगी ना। देख तू मेरे को व्हाट्सएप कॉल पे बातें करती है, उसमें तू नंगी रहती है, वो बात अलग है। तू मेरे साथ बात कर, पूरी नंगी होके कर, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो मजा आएगा, मैं तो 2 बार मुठ मारूंगा। लेकिन जब तू यहाँ पे पब्लिक के सामने आती है ना जी तो भाई दीपक 36 बिरादरी की इज्जत किया कर, ओके समझा? हाँ जी ये बिल्कुल ऐसे मत किया कर तू कभी भी। थोड़ा चुदरी सर के ऊपर, जिस औरत के सर के ऊपर आंचल होता है ना भाई, उसके जैसी औरत ने सर के ऊपर ले सर, ऐसा सर पे लग। हाँ ये देख, इसको कहते हैं भाई भारतीय नारी, ये इसमें जो इज्जत है ना वो किसमें नहीं जी है। और नीचे क्या पहनी है तूने, कच्ची? नीचे बता क्या है, ऊपर आंचल और नीचे कच्ची, तो ये अच्छा लगता है बता तुम मुझे? हाँ कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम लहंगा चोली पहन के आ जाऊंगी। लहंगा चोली पहन के आ, और ऐसे जिस तरह से तू इस सर पे पल्लू रखेगी ना, मैं कह जी रहा हूं तेरी इज्जत बढ़ेगी। तू जो कहते हैं ना नीचे, ये लोग कैसे कहते हैं, देख भाई तेरी बीवी चंडीगढ़ में चूदती है, रोज चूदती है, ये देख ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छा लगता है तुझे? ये नहीं क्या बोल रहे हैं लोग, सच बोल रहे हैं क्या? ये कमेंट जो है ये सच है या ऐसे ही बोल रहे हैं लोग? लोग कमेंट साले मेरे अच्छे को अगर ये बोलते सच हैं। लगा ना, मैं कसम से कह रहा हूं फिर मैं तेरे से ब्रेकअप कर लूंगा। नहीं प्लीज मुझे तलाक मत लेना दीपक, मैं लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी, प्लीज मेरे को कौन ये लोग संभाल ऐसे रहा क्यों है। लिख रहे हैं ये लोग? ये लोग इसलिए लिख रहे हैं, ये लोगों ने मेरे लिए होटल बुक किया और मैं नहीं गई, मैं वहां से भाग के आ गई, बिकॉज वो 4-4 लोग थे वहां पे एक ही जगह। अच्छा, रुक अभी मैं तेरे को बोलता हूं किसको ऐड कर, रुक जी किसी भी रैंडम लड़के को ऐड कर, गुड़गांव की शेरनी को ऐड कर। आ उन...
उनको मैं कहना चाहूंगी, मुझे रिक्वेस्ट भेजे गुड़गावा की शेरनी जी, अगर आप ये लाइव देख रही हैं तो, क्योंकि मुझे नहीं मैं गुड़गांव की शेरनी को रिक्वेस्ट भेजता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे तो तेरे को पता है गुड़गांव की शेरनी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ये बात तुझे पता है? बिल्कुल मुझे पता है ना, क्योंकि गुड़गांव की शेरनी ने गलत बोला है लेकिन लोग उसके नाम से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। वो हीरो बनना चाहते दुनिया की, तो मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मैं मानता हूं कि उसने गलती की है, वो सॉरी भी बोल रही है, तो हमें भी दिल बड़ा करके, हम लोग भी कोई बहुत दूध के धुले हुए नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हमें उनकी गलती, मैं मानता हूं उसने गलती की है, उसकी तरफ से हम सब माफी मांगेंगे, कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसको फंसा कर राजनीति रचना ये गलत है, बहुत गलत है ये। बिल्कुल, देखो वो भी एक लेडीज है, वो भी एक लड़की है, हमें ये नहीं होता कि अगर एक ही लड़की गलती कर रही है हम उसकी गलती पकड़ लें। अच्छा दीपक एक बात बताओ, तुमने हमारे लिए क्या बोला था उसकी आईडी में कि सोनिया शेरनी और जो लुबना है वो एक कॉल गर्ल है, आपने ऐसे बोला लाइव में दीपक? सुन एक काम कर, ये जो शूटर है ना, शूटर को ले कॉल पे, शूटर को, शूटर जी प्लीज कॉल पे सबसे पहले, फिर ये जो स्नेजी है उसको भी ले कॉल पे। बिल्कुल ले रही हूँ, मैं सबको ले रही हूँ, मैं बोलता हूँ सबको ले कॉल पे। शूटर जी एक बार कमेंट करिए मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता। और वो जो स्नेजी जो है साक्षी वर्मा, उसको भी ले कॉल पे। तुझे पता है साक्षी ने मेरे लिए क्या क्या किया? हाँ बहुत अच्छा किया उसने आपके लिए, मुझे पता है। शूटर शूटर की वो बोलेंगे दीपक जी, शूटर की स्पेलिंग बोलो, SHOOTER शूटर, SHOOTER शूटर _001 शूटर। शूटर जी आपकी ये लाइव, आप प्लीज एक बार मुझे कमेंट कीजिए। शूटर जी आप लाइव देख रहे हैं नीचे बैठ के, प्लीज एक बार ये कमेंट कीजिए। दीपक दोबारा से बोलना है स्पेलिंग में। अच्छा रुको, और एक दूसरा मैं आपको आईडी बता रहा हूँ, टाइप करो S for sex, उसके बाद में N for naughty, sex, sex, अरे सेक्स नहीं। अच्छा मैं तुझे, ठीक है चल मैं तुझे आईडी बता रहा हूँ, SMA, M नहीं, N for naughty, SMA, तुझे बोल रहा हूँ वैसे वैसे, S for sex, लिख अभी S लिख, N for naughty, N लिख, Z for jipri, लिख Z, Z, again, हाँ, again Z for jipri, yes, Z, Y for yoni, yes, अच्छा A for aunt, okay, aunt हो गया। अच्छा फिर M for naughty, M for naughty, T for tatta, जी बिल्कुल, और E for England, हाँ इसको बुला अभी कॉल पे ले, इसको लाइव शेयर करिए। कर दी हूँ, कर दी मैंने इनको लाइव शेयर, हाँ मैंने शेयर कर दिए उनको, आप भी बोल, वो भी कॉल पे आएगी, कॉल पे आएगी, उसको फॉलो कर सबसे पहले, जिसको लाइव शेयर किए उसको फॉलो कर, उसको कॉल पे ले। बिल्कुल मैं उनको कॉल पे ले रही हूँ, और एक ही करके मैं ले रही हूँ लोगों को कॉल पे। ये एक आए हैं आपसे, हेलो भैया, हेलो कौन थे, तो भागी गए वो, चले गए। अरे जिसको मैंने तुझे बोला है उसको ले ना कॉल पे यार, वो ही ले रही हूँ, मैंने उनको भेज दिया रिक्वेस्ट, भेज दिया मैंने उनको। अच्छा भेज दिया है, मैं शूटर को ले लेती हूँ तब तक, शूटर को, तब तक शूटर को ले कॉल पे। शूटर जी आप मेरे को एक बार कमेंट करो, हेलो, अरे लाइव पे आ जा, लाइव पे आ, अरे क्या प्रॉब्लम है, आ जा ना एक मिनट के लिए। अच्छा कैमरा कैमरा बंद करके आ जाओ,
तू मेरे को तू ये कर क्या बोलते हैं मेरे मुझे फॉलो करके वहां पे आ जा, कैमरा बंद करके आ जा। ये देख वो कह रही है कि मैं नहीं आऊंगी, सोच ये अच्छी है तेरी ये इज्जत है, बता तू मुझे। तो वो आज तू मेरी वाइफ होने का वाइफ है मेरी, ऐसे लोग कह